हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस टाइप से हम अपने ओप्पो के डिवाइस को अपडेट करें। जो भी आप लोग डिवाइस यूज़ करते हो, जैसे कि ओप्पो के मॉडल के हिसाब से मैं बता दूँ, जैसे कि ओप्पो A37, A3S, A50S, जो भी आप लोग यूज़ करते होगे गाइस, उसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। जो कि आप लोग अगर ओप्पो का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, मैं खुद भी ओप्पो का डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, और हमें सब चीज़ तो ठीक चल रहा है, बट एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट से रिलेटेड। जो कि आप लोगों का फोन अगर ColorOS 3 में रन कर रहा है तो बस उसी पे रन किया जा रहा है, उसके अलावा आप लोगों को 5 या फिर किसी भी प्रकार का यहाँ पे अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे किस टाइप से आप लोग अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते। जो कि मैं आप लोगों का ट्रिक बताऊँगा, वो ट्रिक एकदम जेनुइन है गाइस, 100% वर्किंग है, और उससे आप लोग का फ़ोन अपडेट यहाँ पे जरूर होगा। क्योंकि मैं खुद अपनी बताऊँ, मैं आप लोग को प्रूफ दिखा दूँ यहाँ पे अभी, तो मेरे फ़ोन में भी मैंने इस ट्रिक को किया था और मुझे 2 अपडेट देखने को मिले, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ गाइस। एंड अभी मैं आप लोग को प्रूफ भी दे दूँगा कि मेरे फ़ोन में जो है यहाँ पर अपडेट भी आ चुका है, और किस टाइप से की ट्रिक है, किस टाइप से आप लोग को फॉलो करना है, सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, वीडियो को लाइक तरह पर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी मैं ओप्पो का डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ और हमारे फ़ोन में भी अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले 2 अपडेट आया था और मैंने वो अपडेट कर भी लिया हूँ। अभी मैं आप लोगों को एयरफोन में दिखा दूंगा इस मेरे फ़ोन का मॉडल नंबर जो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जैसे कि सॉरी आप लोग को यहाँ पे जो है कुछ वर्जन कोड वगैरह जो यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आप लोग के फ़ोन में अगर अभी तक एक भी अपडेट नहीं आया, फिर अपडेट बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, तो सबसे पहले आप लोग करना क्या पड़ेगा इस, आप लोग को मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करो या फिर कुछ डाउनलोड करो, मैं आप लोग कुछ भी डाउनलोड करके नहीं बताऊँगा, वो अपडेट नहीं होता है। आप लोग करना क्या पड़ेगा गाइस, आप लोग को एक वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, एंड क्या क्या स्टेप फॉलो करना है सबसे पहले जान लीजिएगा। तो गाइस, आप लोग को सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना है, इस वेबसाइट का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाइएगा। एंड यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को नीचे आना है गाइस, और यहाँ पर थोड़ा धीरे धीरे करते आप लोग को नीचे आना है, और क्या क्या स्टेप फॉलो करना सबसे पहले जान लीजिएगा इस। यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा यूट्यूब चैनल टॉपिक ओप्पो सॉफ्टवेयर अपडेट हेल्प फॉरम टेक्स्ट। तो कैसे जो टेक्स्ट रहते हैं, आप लोग आई हैव बीन यूजिंग ओप्पो मोबाइल फॉर लॉन्ग टाइम, एंड ये जो आप लोगों को टेक्स्ट दिख रहा है गाइस, आप लोग इसे कॉपी करना है। यहाँ से तो कॉपी नहीं हो पाएगा इस वेबसाइट से, आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँगा, वहाँ से आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। एंड कैसे आप लोग को कॉपी करना है, आप लोग को नीचे जो ब्लू अक्षरों में लिखता है वेबसाइट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप लोग का नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और ये जो नेक्स्ट पेज रहेगा इस, ये ओप्पो की ऑफिशियल साइट रहेगी, और यहाँ पे आप लोग एक फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने की तुरंत बाद, मतलब कि तुरंत में आप लोग का फॉर्म चले जाएगा, एंड आप लोग को 1 वीक तक यहाँ पे वेट करना है, एंड आप लोग के फ़ोन में जो है जल्द से जल्द यहाँ पे अपडेट प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा फॉर्म किस टाइप से भरना है, आप लोग को फर्स्ट वाले ऑप्शन पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देना, जो भी आप लोग की प्रॉब्लम वो कर दीजिएगा, मैं आप लोग शॉर्टकट में बता देता हूँ, आप लोग के यहाँ पे नो कर देना है। थर्ड में आप लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देना है, उसके बाद आप लोग को, मैं तो यहाँ पे बी वाला सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे आप लोग को वो टेक्स्ट कॉपी जो की है आप लोगों ने वहाँ पे पेस्ट कर देना है, और सबमिट पे आप लोग को क्लिक कर देना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाई ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इस टाइप से मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट लिख दिया हूँ गाइस, और यहाँ पे मैं प्लीज़ वेट पे क्लिक कर देता हूँ, सॉरी सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप लोग का नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग को देखेगा थैंक्स यूर रिस्पॉन्स यूर इनपुट इस चले जाएगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से आप लोग एल फॉर्म भर सकते हो, जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट से रिलेटेड रहेगा, एंड 1 वीक तक आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली आप लोग फोन में अपडेट देखने को मिल जाएगा, चाहे आप लोग ओप्पो का डिवाइस यूज़ कर रहे या फिर ओप्पो के या फिर रियलमी का डिवाइस यूज़ करें। ओके फ्रेंड, एंड इस वेबसाइट का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड कॉपी टेक्स्ट जो टेक्स्ट रहता है उसका फॉर्म जो रहता है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी डर होगा कमेंट करना भूलिए, हम उस पर वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो धन्य जय माता दी।